नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ और एक नए टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, यूट्यूब लेके आए हैं और एक नई अपडेट। तो ये अपडेट क्या है फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। तो ये अपडेट है यूट्यूब का चैनल वेरिफिकेशन को लेकर। तो चैनल वेरिफिकेशन क्या है, आपको ये अगर नहीं पता है तो कोई भी चैनल जब मतलब बहुत ही बड़ा हो जाता है, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाता था, तो उन चैनल के साथ में जो है एक मार्क होता था, एक राइट मार्क होता था। इसका मतलब है कि ये चैनल जो ओरिजिनल चैनल है और इस नाम से यूट्यूब पे और कोई चैनल नहीं है। अगर है भी तो वो चैनल फेक चैनल है। इसका मतलब है चैनल वेरिफिकेशन। तो वही चैनल वेरिफिकेशन को जो है यूट्यूब ने अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कुछ नया चेंजेस आया है चैनल वेरिफिकेशन को लेकर। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा, चलिए आज का वीडियो शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब के नए रूल्स के हिसाब से अगर आपका चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लेता है तो आपका चैनल जो है वेरीफाई नहीं होगा। तो उसका क्या रीजन ये बताया गया है फ्रेंड्स, कभी कभी होता है कि कोई किसी चैनल का जो है नाम होता है Amazon Tricks। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड्स, Amazon जो वर्ड है इस चैनल के नेम में तो ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर है, इसीलिए इस चैनल को जो है वेरीफाई नहीं किया जा सकता। अगर आपके चैनल का नाम ऐसा कुछ है जिसमें जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर नेम ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके चैनल को नेम को जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ेगा पहले। तो अगर आपने नहीं किया तो आपका चैनल जो है वेरीफाई नहीं किया जाएगा, पहला रीजन है। दूसरा रीजन यही है कि फ्रेंड्स, अगर आपके चैनल का नाम जो है मान लीजिए सौरभ का ज्ञान है और हमारे चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, और साथ ही में जो इसी नाम से एक और चैनल है जिसपे भी 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, तो सेम नाम का 2 चैनल हो गया है, इसीलिए आपका चैनल जो है वेरीफाई नहीं किया जब तक आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया है। तो ये 2 कारण है, ट्रेडमार्क रजिस्टर किए बिना जो है आपका चैनल वेरीफाई नहीं किया जाएगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है कि फ्रेंड्स, और आपके चैनल में मिलियन सब्सक्राइबर है और आपका चैनल जो वेरीफाइड है लेकिन आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया है, और उसी नाम से एक नया चैनल जिसने हाल ही में जो है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा किया है और उसने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया उस नाम से, तो आपके चैनल का जो है वेरिफिकेशन बैच यूट्यूब छीन लेगा। तो उसी वजह से जो यूट्यूब ने एक नया रूल्स निकल के लाया है चैनल वेरिफिकेशन को लेकर। यही एक सिंपल सा वीडियो, और जिस वीडियो में यूट्यूब ने जो है चैनल वेरिफिकेशन को लेकर जो भी अपडेट लाया है तो मैंने आपके सामने लेके आया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पे और दिखा देते हैं आप कहाँ से जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप ऑनलाइन करवा लीजिए, इसका फी आपको 3,000 से 4,000 रुपए पड़ जाएगा। तो ट्रेडमार्क रजिस्टर क्या है फ्रेंड्स, ये रजिस्ट्रेशन है जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज, अपनी बड़े बड़े चैनल, टीवी चैनल अपने चैनल को रजिस्टर करवा लेते हैं ताकि इसी नाम से जो है नया कोई चैनल या फिर नया कोई कंपनी स्टार्ट ना हो। इसी नाम से जो फ्रेंड्स एक ही चैनल होता है या फिर एक ही कंपनी होता है जो ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, इसी नाम से अगर आप कोई कंपनी या चैनल खोल डालते हैं तो ये आपके लिए जो है क्राइम हो सकता है। तो ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और चैनल वेरिफिकेशन भी सेम ही फ्रेंड्स, यूट्यूब पे एक ही नाम का एक ही चैनल होता है जो वेरीफाई होता है, सेम नाम का अगर कोई चैनल और भी होता है तो वो वेरीफाई नहीं किया जाता है। तो यूट्यूब के इन रूल्स के हिसाब से अगर आपका चैनल जो है किसी और के नाम से है तो आपने अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया है तो आपके चैनल का रजिस्ट्रेशन बैच जो है छीन लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसी वेबसाइट से जो अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट का है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया। तो इस वेबसाइट से आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं इसी नाम से कोई ऑलरेडी ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर्ड है या नहीं। और इस वेबसाइट का नाम है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, और वेबसाइट लिंक है ipindia.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप यहाँ से अपना सारा कुछ चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, रजिस्टर मार्क, ट्रेडमार्क इंडेक्स, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।